Hey, welcome to this episode of Arshi Khan, right? MBA with Arshi Khan. और आज हम बात करने वाले हैं कॉलेज रिव्यू के बारे में. जिसका नाम है आई फील लोनावला, विच इज Institute for Future Education, which is Entrepreneurship and Leadership, which is in Pune, in Lunavala. I think abhi I was like watching my recent videos and there I got a request to make a video on this. So here I am with the video. So let's get started with this episode, right? So we'll talk about the highlights about this institution. 2010 ka established college hai, Lunavala mein located. It's a private institution. राइट, AICTE अप्रूव्ड है, फुल टाइम एजुकेशन कराता है, एप्लीकेशन ऑनलाइन है, जिसकी फीस है 800 रुपीस. सो दैट्स दी हाईलाइट. नाउ कमिंग टू द प्रोग्राम, PGDM ऑफर करता है, जो कि AICTE है, 150 115 इज द टोटल प्रोग्राम क्रेडिट, दैट मींस इनटेक. देन उसके अलावा CAT, ZAT, CMAT, CT, MAT, ATAM और GMAT के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं. ऑनलाइन एप्टीट्यूड एंड रिटन टेस्ट होता है एंड 2 इंटरव्यूज राउंड होते हैं. राइट, 4 सेमेस्टर्स हैं बेस्ड ऑन जनरल सब्जेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट बेस्ड ऑन दी स्पेशलाइजेशन, जो कि सेकेंड ईयर में होते हैं. नाउ कमिंग टू द स्पेशलाइजेशन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस एंड HR कराता है. मार्केटिंग के साथ साथ इन्होंने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग, सोशल वेब एनालिटिक्स, फाइनेंस के साथ फॉलोइंग NISM सर्टिफिकेशन, NISM सीरीज, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेशन, देन इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन, देन ऑपरेशंस में 6 सिग्मा ग्रीन बेल्ट, HR में टैलेंट एक्सेलेंस सर्टिफिकेशन भी करते हैं. आई मीन एडमिशन प्रोसेस 50th percentile, सारे एंट्रेंस एग्जाम एंड यू गुड टू गो. फी स्ट्रक्चर 7,80,000, जिसमें रिफंडेबल 7,000 है, तो टोटल 7,87,000. ये फीस जो है वो इंक्लूसिव है, इसमें सारी चीजें, हॉस्टल, कैंटीन सर्विसेज, फैसिलिटीज एंड डेवलपमेंट फीस जो है वो इंक्लूडेड है. राइट, सो फी स्ट्रक्चर जो है वो मतलब ठीक है, मतलब इट्स नॉट ऑन अ वेरी हायर साइड. You are required to make a payment of 60,000 of the fees to confirm your admission, right? ये admission के time पे है, and payment of 8,37,000 within 10 days of confirmation of admission. ये पूरा payment one time करना पड़ेगा. ये चीज आप देख ली, उनकी official website पे था. My team asked me कि मैम ये क्या है, तो I asked them कि आप इनको इसको slide में डाल दीजिए. तो उन्होंने अपनी website पे clearly लिखा है आपको admission fee 60,000 देनी है, और एडमिशन कंफर्मेशन के बाद आपको 8,37,000 का पूरा पेमेंट करना है विद इन 10 डेज कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन और 13th of June, व्हिच एवर इज अर्लियर. राइट, सो ये कहीं ना कहीं ट्यूशन फीस है. ग्रैंड टोटल की अगर हम फीस की बात करें तो इट्स लाइक 6,40,000 का फी स्ट्रक्चर है, हॉस्टल 1,80,000 का है. राइट, एंड इसके हिसाब से टोटल फीस जो है वो ऐसी होती है. कैंसिलेशन पॉलिसी, रिटेंशन फीस इज रिफंडेबल till 30th of June, however 2,500 will be deducted from the total retention loss. Admission process, I think it's like same like other colleges, apply karo, 800 ka form, interview hoga, then uske basis pe selection ho jayega. Right, then student engagement, ye unka program hai, guiding, mentoring, recognition activities, learning through various management focus activities, case studies, visit to companies, training on soft skills and corporate etiquettes, guidance on various specializations and much more. अवार्ड्स, सारी रैंकिंग है, बट आप अगर मेरे वीडियोस देखते आ रहे हो तो आपको पता है मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी कॉलेज को, भले वो कितना ही अच्छा हो, राइट, यू नो अबाउट दैट कॉलेज लाइक एनीथिंग, डू नॉट चूज अ कॉलेज ऑन रैंकिंग, बिकॉज इवन NIRF की रैंकिंग में भी मैंने अभी कल ही वीडियो बनाया है, जो कॉलेज 15वें पोजिशन पे है उसका एवरेज 12 लाख का है, जो कॉलेज 56 पोजिशन पे है उसका एवरेज 22 लाख का है. तो रैंकिंग प्लेसमेंट्स के बेसिस पे नहीं होती, और जितना मैं समझती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स MBA करना चाहते हैं उनकी पहली प्रायोरिटी जो है वो प्लेसमेंट्स होता है, अपार्ट फ्रॉम क्वालिटी एजुकेशन. ये मेंटोर्स हैं काफी सारे, प्रोफेसर गीता प्रकाश बिजनेस लॉ 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, प्रोफेसर अजय प्रभु फाइनेंस फैकल्टी 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, राइट, प्रोफेसर श्रीनिवास मार्केटिंग 23+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. ये इंडस्ट्रियल विजिट्स हैं, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, पार्ले, बिस्लेरी, महिंद्रा, कोका कोला, डेकाथलॉन, ह्यूंडई, बजाज, मर्सिडीज बेंज एंड ऑल. राइट, ये स्टडी टूर हैं, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, चाइना, जापान, इटली एंड ऑल दैट. राइट,
Now faculty will be equated the profit based early interviews, right? Extracurricular pe aapko select kiya jata hai, work experience, academics, awards and achievements. Now coming to the placement, jo ki bahut important part hai kisi bhi college ka. तो अगर हम ओवर और एवरेज की बात करें तो इतना तो नहीं है, राइट? फ्लक्चुएशन है. मैं फिर वही कहूंगी कि ये कॉलेज सही है गलत है ये डिपेंड करता है तुम्हारी प्रोफाइल पे, राइट? कुछ स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है उनको इससे बेटर ऑप्शंस मिल जाए. आई मीन आई विल नॉट से दैट, यू नो, क्योंकि पुणे में जितनी भी कॉलेजेस हैं, जो मेन पुणे में जो काफी पुराने हैं, उन तक का एवरेज इतना नहीं है, राइट? सो दिस इज नॉट, हो सकता है इसमें जो इन शॉर्ट आपको एवरेज मिलेगा वो काफी कम है. तो ये आप चेक कर लें, आप स्टूडेंट से बात कर सकते हैं, कोई हेल्प है तो नीचे फॉर्म फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं. देन हाईएस्ट 18 का है, टॉप 58 लाख, 9 लाख. मुझे लगता है कि आपको ये देखना चाहिए लिस्ट में और कौन से ऑप्शन है. मैं ये नहीं कहूंगी कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है या बहुत बुरा ऑप्शन है. कुछ स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है सही ऑप्शन है, पर अगर आप ये देख के जा रहे हैं तो इतना तो एवरेज नहीं है. एंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, राइट? लोनावला में है, थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में है मेन सिटी से, तो थोड़ा सा अगर आप मेन पुणे में रहते हैं तो उसका एडवांटेज आपके पास ये रहता है कहीं ना कहीं कि आप अपने लेवल पे भी इंटर्नशिप देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो वो थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज रहेगा, बट स्टिल मैं यही ऐड करना चाहूंगी, बच्चों से बात करो फिर एनरोल करो. जितनी भी कॉलेजेस हैं उनकी वेबसाइट्स पे, इवन टॉप कॉलेजेस अगर हम बात करें तो 23-24 लाख का एवरेज पैकेज क्लेम करते हैं उनको. व्हेन यू टॉक टू द स्टूडेंट्स यू फाइंड आउट कि 17 लाख 18 लाख का एवरेज पैकेज है. तो कहीं ना कहीं वो देखो एंड उसके बेसिस पर डिसाइड करो. कोई भी हेल्प चाहिए, मैं फिर कहती हूँ MBA इज ऑल अबाउट प्रोफाइल. नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, वहां पे बच्चों के स्टूडेंट्स के नंबर्स मांग सकते हो और ये पूछ सकते हो कि मेरी प्रोफाइल के हिसाब से ये कैसा ऑप्शन है. बाकी मैंने तो अपना जो सजेशन है वो आपको दे दिया है, राइट? कंक्लूजन, कंपनीज ये सारी आती है, अमूल, HDFC, PR, RR Ventures, HDFC, right? And all that thing, and that's all about this video. So I hope you like it. Do share it with your friends. And for more such video like this, do not forget to like, share, and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share, and subscribe.